महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। थोड़ा सा आइए कैमरामैन, देखिए इन लोग झोपड़ी में किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा सा आइए नजदीक आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रूपा देवी। इस तरह का यहाँ पे पानी का तेज धारा में सारा घर बह रहा है, तो किस तरह से आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? बहुत एकदम कठिन जीवन से जी रहे हैं। ऐसे रात में आए ना बाढ़, ऐसे एक ठे देखो वहाँ चौकी है ना, एक देखे हमने बोले बच्चे भूखा प्यासा ऐसे बैठे हुए थे, पानी बरस रहा था ना, तो ऐसा देखो थोड़ा सा चिमकिला ना, वैसे बोले बच्चे ओढ़ के ऐसे बैठे हुए थे भूखल प्यास, कोई नहीं अभी आया देखने के लिए कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसे सब खाली ऐसे आता है देख देख के चल जाता है, ऐसे कोई नहीं लाभ ना कुछ नहीं मिल रहा मदद कुछ के नहीं, ऐसे राशन पानी तो कुछ है ये नहीं है, दाह के तो सब चला गया, तो हम लोग क्या करें, ऐसे आता है सबको देख के चल जाता है और का हम ऐसे अपने भूखे प्यासे बैठे रहते हैं कि किसके लाभ, सब तो अपना अपना अति फायदा उठा के चलिए जाते हैं। ऐसे कल भी ऐसे मीडिया वाला आया फिर बोले तो उन लोग तो बोला कि ऐसे हम लोग ऐसे मुतजदी आएंगे बाकी कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी देखो इन लोग एक बार फिर आया वहाँ से आए रामपुर से मुखिया जी, तो वो कहा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे बाकी कुछ भी नहीं करा। डीएम साहब आए थे? डीएम साहब नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं आया? नहीं, देखने वाला कोई नहीं है ना, कोई ना। तो यहाँ के जितना भी लोग है कैसे आप लोग जीवन यहाँ पर कैसे अपना जिंदगी जिए? ऐसे आप कैसे जी रहे हैं तो आप ही लोग देखे आए कर रहे हैं कि कैसे जी रहे हैं, हम लोग से देख रहे हैं वे कर रहे हैं क्या जरा झोपड़ी उपड़ी ने ऐसे है और कुछ देख अब ये आपके सामने की देखो यहाँ से चौकी निकाल के वहाँ लेके गए हैं, वहाँ मैंने बोले बच्चे रात भर गुजारे हैं यहाँ झोपड़ी ले, देखिए चूल्हा उल्हा चलिए तो आइए थोड़ा कैमरा मैन देखिए इन लोग कैसे अपना जिंदगी गुजर बसर कर, इधर आइए थोड़ा सा। इसी में आप लोग मतलब कि घर बाग इसी में रह रहे हैं? हाँ इसी में रहते हैं, यही झोपड़ा में रहते थे, तो यही सब ने ऐसा मनी डर पानी के अथी से बाढ़ से मन डर के मारे कि ना जो थोड़ा अथी हो लगेगा ना, तो कहा मैंने बोले बच्चे दह जाएंगे से यहाँ से चौकी निकाल के वहाँ ले गई है, कोई के ना व्यवस्था इसे पहले इस घर में रहते थे आप लोग? हाँ पहले इधर आइए थोड़ा सा, बाबू आइए थोड़ा सा बाहर आइए, आइए इधर आइए। इसी घर में पहले आप लोग रहते थे? हाँ इसी घर में रहते थे सब लोग, सब लोग। अभी घर बनाने में आपका काफी पूंजी पूरा जिंदगी का मेहनत लगा होगा? थोड़े थोड़े जमा का, एक बार घर बनता है थोड़ी थोड़ी जमा करे बनता है कि एक बार कोई बना देता है, इसमें थोड़ी थोड़ी करके बनाए थे कर्जा महाजन लेके बनाया, बाकी अभी तक कर्जा नहीं टूटा, बाकी देखो ऐसा ऐसा के बारे में खाली आती डैम बनाने के लिए ऐसा घर हो गया हमने के डैम से इतना क्षति हो रहा ना। हाँ डैम से इतना क्षति भी था। बताइएगा यहाँ का जो जमीन है तो किसकी जमीन है ये? अथी मतलब ऐसे मतलब सबको ऐसे रहता है ना नदी पर, तो मतलब ऐसे बाप दादा का जमीन था ना, तो पहले के युग जमाने ना जाते थे ना, तो इसीलिए हाँ परवाना पूरा था इस बनाने के लिए बन गया है परवाना, परवाना का जमीन है। हाँ तो सरकार आप लोग को दे दी है? हाँ सरकार तो दे दी है, परवाना में है? हाँ सब परवाना में बना हुआ है, सब आप लोग रखे परवाना? हाँ रखा हुआ है सब, ऐसे कुछ देखो ना नहीं देख रहे हैं आप, ऐसे मैं सब अंदर अंदर देखो पानी पाइप पेस रहा है, ये तो थोड़ा कम है ना वहाँ से सब 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 था ना बैठी दीवार से सब गैस उस सब दुकान था, सब राशन पानी सब दह के चला गया। दुकान था इसमें? हाँ इसमें दुकान था, इसमें दुकान था, यहाँ सोते थे सब सब चौकू के सब गैस। आप लोग का इतना बड़ा क्षति हुआ है कैसे भरपाई करेंगे? कर्जा उर्जा जो ले लिए हैं तो क्या कर्जा जिसे लिए है वो तो नहीं मानेंगे? नहीं मानते, वो रोज आता है तो कहाँ से दे, हम नहीं देखा आदमी देख रहे नहीं रहे हैं। तो क्या जो गया जिला के डीएम साहब है चाहे यहाँ के जो विधायक है कुमार सरबजीत जी, उन लोग से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम इतना गुहार करना चाहते हैं कि जहाँ भी सुन रहे हैं इतने इतना बना के लेके जा रहे हैं बाकी कोई भी नहीं होता, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग के दे अथी करे कुछ सहारा देते हैं, कुछ ऐसे आते हैं तो खाली देख के चला जाते हैं बाकी कोई ना सहारा देने वाला कोई नहीं है। कर्जा जिससे लिए हैं वो तो आपको पर हावी हो जाएगा, क्या करिएगा आप? क्या करेंगे अब, बोलते हैं बोल के चला जाता है तो दो बात सुन के रह जाते हैं, अब क्या करें, अब बोलते हैं कि हमको घर में ऐसे कितना कर्जा आपके सर पे है? हमको सर पर ऐसे घर जितना बनाए थे ना उतना एक बहुत पैसा है, गरीब के पैसा उतना रहता है। कितना? 5 लाख 10 लाख? कितना लगभग? ऐसे तो एकदम 10-15 लाख के है, ऐसे 15 लाख कर्ज में है। हाँ बहुत। कितना परिवार रहते थे इस घर में? इसमें ऐसे तो 20-30 गो रहते थे, सारे लोग इसी में रहते थे। हाँ घर एक गो था तो नहीं रहेंगे, इसी में ना मन रहते थे का दूसरा घर में रहते। ये घर जो है ये हो सकता है थोड़ा सा और तेज बहाव में तो पूरा घर तेज धारा में बह जाएगी, मुहाने नदी में चल। हाँ, मुहाने नदी में सब कुछ चला गया था, अब कुछ कह रहे हैं अब देखना रहे, झोपड़ा लगा के रह रहे थे
झोपड़ा लगा के रहे हैं, तैयो फिर कोई नहीं देख, कोई देखने वाला सब अपना अपन जिंदगी देख रहा है कि खाली सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं। हम सरकार से इतने गुहार लगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग के ऐसे देखे और मोहताजा करके दियावे का कुछ कर रहे हैं सरकार से। थोड़ा सा आइएगा कैमरा मैन, हल्का सा आइएगा, थोड़ा सा आइएगा, थोड़ा सा आइए। देखिए यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति इतनी दर्दनाक बनी हुई है कि क्या बताएं। यहाँ पे थोड़ा सा इधर, यहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पानी के, देखिए यहाँ पे चापाकल भी, यहाँ का सारा जो मिट्टी था वहाँ का पूरा जो है वो ध्वस्त हो चुका है। वो जो ट्रस्ट जो गरीब बच्चों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देने के लिए बनाई गई थी, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ पे देख, गरीब परिवार के लोग पैसे कर्ज पे लेके एक घर बनाए थे, ये भी जो घर है ये काफी मजबूती से बनाया गया था। देखिए पिलर वगैरह दिए हुए हैं, लगातार दिखाई है, पिलर वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन जब पानी, कहा जाता है कि पानी का जब तेज धारा आता है तो उसमें कुछ भी टिक नहीं पाता है, पानी से ज्यादा मजबूत कोई चीज नहीं होता है। और पानी का तेज धारा डैम बनने के कारण पानी साइड से पैन के माध्यम से जब निकलती है तो यहाँ पे आती है और सारे लोगों को क्षति पहुंचाती है। यहाँ पे जब डैम नहीं थे तो यहाँ पे लोग काफी सेफ रहते थे, इन लोगों का कहना है कि हम लोग काफी सेफ थे, डैम के बनने की वजह से हम लोग काफी क्षति हुआ, कौन करेगा भरपाई। तो जो भी यहाँ के माननीय विधायक महोदय है और जो जिलाधिकारी है, थोड़ा सा देखिए और इन लोग का जो भी व्यवस्थाएं होती है, जो भी होती है, सारे चीज करने का प्रयास कीजिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।